नमस्ते मालिक, नमस्ते मालिक, नमस्ते सरकार, नमस्ते सरकार, नमस्ते सरकार, नमस्ते सरकार। बोलो क्या हुआ मालिक? वो रंगा मेरी बेटी से शादी करेगा ऐसा बोलकर उसने मेरी बेटी के साथ धोखा किया है मालिक। मेरी गर्भवती बेटी को बचाकर उसे न्याय दिलाइए मालिक, उसे न्याय दिलाइए। हम सब गांव वाले भगवान पर भरोसा ना करते हुए हम सिर्फ आप पर भरोसा करते हैं और आपके चरणों की धूल माथे पर लगाते हैं। पड़ोस वाले गांव में आपकी जय जयकार होती है, ऐसे इंसान की इज्जत का ख्याल ना रखने वाले उस रंगा को सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। शांति शांति। आसमान को धरती पर लाने वाला, पत्थर को मोम बनाने वाला, अन्याय को मिटाने के लिए और न्याय को बढ़ावा देने के लिए ही मैंने एक बब्बर शेर को पाला है। कौन है बेतू? बहनों के लिए मैं उनका एक भाई हूँ, माओं के लिए मैं उनका एक बेटा हूँ, और इस गांव के लोगों का मैं एक हमदर्द हूँ। मालिक का हुक्म मानने वाला एक ईमानदार नौकर हूं। मानो! ए रंगा, आग से खेलोगे तो जल जाओगे, पानी से खेलोगे तो डूब जाओगे, और मुझसे टकराओगे तो मारे जाओगे। खुद को चोर नहीं कहता, मगर गांव वालों के बयान से साफ जाहिर होता है कि ये अपराधी है। हाँ, ऐसा मैं भी मानता हूं। ए, उसे मंगलसूत्र दो। घूर कर क्या देख रहा है? तुम्हारी बोई हुई चीज से जो चीज पैदा हो रही है और लाश समझकर मंगलसूत्र बांध उसे। सरकार, इसके मुझ पर लगाए सारे आरोप झूठे हैं और आप बिना सोचे समझे गलत फैसला कर रहे हैं, और इसके पेट में जो पाप पल रहा है उसके लिए इसे सहारा चाहिए था, इसलिए मुझे फंसा रही है ये रंगा। औरत मर्दों के हाथ की कठपुतली नहीं होती, वो जिसे चाहती है उस पर अपना जीवन लुटा देती है। जहां औरतों की इज्जत होती है वहां भगवान बसते हैं। गांव वालों के सामने शर्म छोड़कर खड़ी होकर ये जो रो रो के कह रही है, क्या ये गलत है? इससे बेहतर सबूत और क्या चाहिए? बहुत देखे तुम जैसे लोग, साले कमीने की औलाद। गलत कर सकते हो लेकिन गलती को कबूल नहीं कर सकते। बात मांगा सूत्र।
ये मेरा आदेश है। सब लोग ध्यान से सुनिए, गांव के नियमों का उल्लंघन करने वाले रंगा को 1 साल के लिए बेदखल करता हूँ। इसको किसी ने भी दाना पानी दिया तो आप लोगों को भी सजा भुगतनी पड़ेगी, याद रहे। चलो रे। सरकार मेरी बात सुनिए, देखिए आप उससे ध्यान नहीं कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। सरकार सरकार मेरी बात सुनिए, सुनिए सरकार, देखिए देखिए सरकार सरकार, आप क्या समझते हैं अनाथ माधव को पालकर आप इस गांव के शेर बन गए हैं क्या? मेरी जिंदगी बर्बाद करके न्याय को आबाद किया है सोचकर उछल रहे हैं क्या? ये दिल जला आपको नहीं छोड़ेगा, आपकी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा, आपका सुख छीन लूंगा। ये सारे लोग जो आपको भगवान का दर्जा देते हैं, आपकी हर बात मानते हैं, अगर इन्हीं लोगों को मैंने आपके खिलाफ नहीं भड़काया तो मेरा नाम रंगा नहीं। हंसते खेलते जवान मैं हो गया, आपके प्यार से निहाल मैं हो गया। हंसते खेलते जवान मैं हो गया, आपके प्यार से निहाल मैं हो गया। मेहनत से मैं पेट भरूंगा, नारी की रक्षा मैं तो करूंगा, नीति धर्म को बचाने वाला हूँ मैं। हंसते खेलते जवान मैं हो गया, आपके प्यार से निहाल मैं हो गया। सांस है, नीति मेरा नाम है, सच का साया मैं, प्यार मेरा काम है। सब मिलके रहो, भगवान बोले हम है भाई भाई, हर दिल बोले ये तो सब है रब की लीला। हंस के खेल के जवान में हो गया, आपके प्यार से निहाल में हो गया। कल वो झूठा है आने वाला, आज ही सच है हमेशा रहने वाला। हिम्मत करोगे तो जीत मिलेगी, मेहनत करोगे तो मंजिल मिलेगी। हाँ यही सच है मानो भाई, हंसते खेलते जवान मैं हो गया, होए होए आपके प्यार से निहाल मैं हो गया। हंसते खेलते जवान मैं हो गया, आपके प्यार से निहाल मैं हो गया। नारी की रक्षा मैं तो करूंगा, नीति धर्म को बचाने वाला हूँ मैं। हंसते खेलते जवान मैं हो गया, आपके प्यार से निहाल मैं हो गया। जरा ठहरो पिताजी, जो हुआ उसे भूल जाओ, खाना खा लो। गांव के जमेले में ये क्यों पड़ा? इसने सबका ठेका ले रखा है क्या? हा? वो गुंडा रंगा को इसने उसे मारकर सरकार के सामने क्यों पेश किया? कल को अगर उसने ऐसा कुछ किया तो हा? आ, देख लूंगा। आए बड़े, मैंने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। बात मत कर मुझसे, मेरा जी तो कर रहा कि मैं पिताजी, इसने क्या किया जो गुस्सा रहे हो? न्याय की खाद से, नीति नाम के पानी से, आप ही का उगाया हुआ चंदन का पेड़ है,
मेरा भैया। जानता हूँ बेटी, इस पेड़ को कोई ना काटे इसीलिए तो मैं ऐसा कर रहा हूँ। बारिश में भीगती हुई इसकी माँ ने जब मुझे सौंपा था तब ये सिर्फ 6 महीने का था, और उस दिन से लेकर आज तक मैंने इससे अपने सीने से लगा कर पाला है। बेटी तुम दोनों मेरे लिए दो आंखें हो, अगर कोई आंखें फोड़ता है तो दर्द मुझे ही होगा ना। सारे गांव का दाता, हमारे सरकार की इज्जत नहीं की उसने। मुझे गुस्सा आया इसलिए मैंने ऐसा किया। आज के बाद आपको दुख ना हो, ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा मैं। इस गांव के सभी लोगों की उंगली पकड़कर सीखा हुआ उनका दुलारा है तू। देखो बेटे, आग से खेलना खतरनाक है ये जानते हुए भी इससे वैर करना सही है क्या? आग खतरनाक है ये जानकर चुप रहने से सारे गांव को खतरा होगा, क्या ये ठीक है? सही गलत क्या है ये मैं नहीं जानना चाहता। इससे कहो कि दूसरे लोगों के झमेले में पड़ना बंद करे। अच्छा ठीक है, आप नाराज मत होइए, आज से ये ऐसा नहीं करेगा है ना? पिताजी खाना खा लीजिए ना। आज के बाद किसी के झमेले में नहीं पड़ूंगा। पिताजी खाना खा लीजिए ना। मेरी यादों में रहने वाली, मेरे ख्वाबों में रहने वाली। चाचा चाचा। क्या है रे? हमारे दादा परदादा के जमाने से हम हजामत करते आ रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं है तो चुपचाप दाढ़ी बना। चाचा आपके घर के बाजू में जो जगह है ना, अगर आप मुझे दे देते तो वहाँ एक कुटिया बना लूंगा। चुपचाप दाढ़ी बनाने के लिए क्या लोगे है? आप देते क्या है 5 रुपए 12 ने? 5 रुपए 12 आने के बदले तू 5 लाख की जगह मांग रहा है क्या? पहले तो ठीक से दाढ़ी बनाना सीख। बात करता है भाई। भाई कहाँ है वो? कहाँ है वो तेरा? कहाँ है? कहाँ है? अरे बिरला क्या है वो? अरे तुम्हारा हाथ। अरे जल्दी दो भाई हाथ। तू अबे बांस मार रहा है, धोया नहीं? अबे बेवकूफ निकाल ले। आहा, क्या है बिरला, सवेरे समय दिमाग की माँ बहन क्यों कर रहा है तू? गुरु परसों हमने मेले में लॉटरी लिया था, उस पर हमें 10 लाख रुपए लगे हैं। 10 लाख रुपया? अरे क्या हुआ भाई, चला गया, चला गया चाचा, चला गया। लॉटरी की टिकट कहाँ है बताने से पहले ही चला गया। अब मैं क्या करूं? ए भगवान, अपनी पति के साथ मुझे भी लॉटरी का पता ना बताकर चला गया। शैतान जाग गया, तुम मरे नहीं क्या? ए मेरे भाई, अपनी माँ की कसम खाकर बता कि सच्ची मुझे 10 लाख। तुम्हारी बीबी की कसम 10 लाख रुपए लगे हैं? मेले में मुझे लॉटरी नंबर लिख कर दिया था, वो मेरे पास है। हाँ आधी दाढ़ी बनाकर टाइम पास कर रहा है यहाँ, जल्दी से दाढ़ी बना। ए चाचा तुमने मुझे क्या समझ रखा है? तुम्हारा घर जमीन खेत खलिहान सब की कीमत बता दे, चुटकी चुटकी बजाते ही सब खरीद लूंगा। ए तेरी जात का बिरला, बिरला हम इसी गांव में फैक्ट्री जितनी सैलून शॉप खोलकर उसमें नए हजामों को नौकरी पर रख के हम दोनों सूट बूट में गांव की गली गली में घूमते रहे तो कैसा लगेगा पता है? सूट बूट में क्या है? अरे छी, माँ की कसम अच्छा नहीं लगेगा और तुम्हारी बीबी की कसम अच्छा नहीं लगेगा। अरे क्या अच्छा नहीं लगेगा? अब तुम कौन हो? कौन हूँ? कौन हो बोलो? कौन हूँ? एक लखपति आदमी। वो तो है, मैं लखपति तो हूँ। अब लखपति के हाथ में ये टूटा फूटा डब्बा शोभा नहीं देता। अरे तौबा कर। ए बिरला हमारे दादा परदादा के जमाने से हम इसी से अपना पेट भर रहे हैं, ये बक्सा हमारे लिए भगवान के बराबर है यार, समझा तू? अभी सुधरेंगे नहीं तुम्हारे जैसे लोग। सूट बूट पहन कर कार चलाने वाले एक ड्राइवर को रखो और साथ में रहने वाले एक पीए को रखो। अबे ये कौन है पीए का बच्चा? मैं ही हूँ। तुम हो क्या? इन सबके होते हुए तुम्हें इस डब्बे की क्या जरूरत है? फेंको इसे। लॉटरी का पैसा मिलने के बाद मैं सिंगापुर जाऊंगा और इसके बजाय मॉडर्न सेविंग का डिब्बा तुम्हें ला कर दूंगा। रंगीली मेरी औरत है, तू क्यों पुकार रहा है? आप लोग इतने चिल्ला क्यों रहे हो? अरे वो क्या है, उस दिन मैंने जो तुम्हें लॉटरी का टिकट खरीद कर दिया था ना, वो लेकर आ। लॉटरी का टिकट? हाँ।
कि मेरे सर को जा रही है, सर को जाने से टिकट मिलेगी क्या? अब जाओ यहाँ से, जाओ टिकट लेकर आओ। पता नहीं कहाँ रख दिया मुझे। 10 लाख की बात है, जल्दी लेकर आओ। याद आ गया, याद आ गया, तुम्हारा जो हजामत का डिब्बा है ना, उसमें रखा था। अरे बाबा, अरे बिरला, तूने क्या किया मेरे साथ, क्या किया, मुझे बर्बाद कर दिया। अरे हाय 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 हाय, बहुत समझदार हो, पागल हो गए हो क्या, ये सब क्या है? मालिक, आप हमारे गांव के भगवान हैं, आपके चरण मिट्टी में गंदे हो ये मैं नहीं देख सकता मालिक, इसलिए ये ले 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 ले। कौन है वो? हाँ, अपने बच्चे को धूप में सुलाने वाली महान माँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? माँ माँ, ये किसका बच्चा है? मेरा बच्चा है मालिक। ये क्या, बच्चे को धूप में सुला दिया तुमने? काम करने की इतनी भी जल्दी है क्या? पहले बच्चे संभालो फिर अपना काम देखना, समझी? हाँ, ना लो बच्चे का नाम क्या रखा है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ और तुम चुपचाप खड़ी हो, बताओ इसका नाम क्या है? ए, ए, सांप सुन गया क्या तुम्हें? मालिक तुमसे कुछ पूछ रहे, जवाब दो। बताओ ना। अरे तुम लोग चुप क्यों खड़े हो? किस मुंह से कहें मालिक, आप इंसानियत के पुजारी हैं, गरीबों के अन्नदाता हैं, आप हमारे लिए भगवान से बढ़कर हैं, आपके छत्र छाया में पल रहे हम, बच्चे में आपके गुण है इसलिए हमने आपका ही नाम रखा है मालिक। हाँ ठीक है ठीक है, अब और मत चढ़ाओ मुझे। जीते रहो। माधव। हाँ, आया मालिक। माता च पार्वती देवी।
सीता देवो महेश्वरः भान्दवाः शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। तुम्हारी पूजा खत्म हो गई क्या माधव? आप यहाँ क्यों आए? मैं खुद आने वाला था। तुम्हें खुशी की बात बताना चाहता हूँ, मेरी बेटी जो है अपनी पढ़ाई खत्म करके गांव वापस आ रही है। अच्छा? हाँ। तुम खुद ही जाकर लेकर आओ और ध्यान देना, बहुत दिनों के बाद वो गांव आ रही है। हाँ। शायद उसे अकेला महसूस हो, तुम उसे संभालना शांति से, सोच समझ कर काम करना, समझ गए? आप फिक्र मत कीजिए, ऐसी खातिर करूंगा, प्रिया मैम सब देखती ही रह जाएंगी। देखा देखा, यही अच्छा नहीं लगता, पागल कहीं के, कब सुधरोगे? उससे थोड़ा प्यार से पेश आओ। हाँ, और जाते जाते नारियल को शेट्टी की दुकान में डाल कर जाना, बाद में वीरभद्र सुपारी के पैसे देने वाला लेकर आना, प्रिया को ठीक से लाना, समझ गए ना? हाँ हाँ, अपना ख्याल रखना। भगवान अब मैं क्या करूँ, मुझे सांप ने काट लिया, भगवान के लिए कुछ करो, पैर में बहुत दर्द हो रहा है, भगवान के लिए कुछ करो, सांप ने काट लिया, मुझे बचाओ, भगवान के लिए मेरी मदद करो, अरे सांप ने मुझे काट लिया, माधव भैया मुझे सांप ने काट लिया, भगवान के लिए मुझे बचा दो, मुझे बचा दो। कुछ नहीं होगा तुम्हें, सांप ने काट लिया मुझे, पट्टी बांध देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। डरना मत, जहर मैंने निकाल दिया है, दुकान से सांप काटने की जड़ी बूटी लेकर उसको अपने घाव पे लगा लेना, जैसा बताया बिल्कुल वैसे ही करना, भूल मत जाना, समझ गए ना? चलो। अच्छा, हे भगवान, ये क्या बेचारे तड़प रहा है और आप लोग चुपचाप खड़े हैं? आप सब में इंसानियत नहीं है क्या? अरे माधव, जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते वो औरों की रक्षा क्या करेंगे, ऐसे काम के लिए हिम्मत चाहिए होती है, इसके बस की बात थोड़ी ना है। पिताजी, वो पिताजी मालिक की बेटी रेल, मैं अभी आया पिताजी। अरे इसे अचानक क्या हुआ? आश्चर्य से क्या देख रहे हो? अब वो बहुत सालों बाद देख रहा हूँ ना तुम्हें। खैर छोड़िए, मालिक इंतजार कर रहे होंगे, चलो चलो चलो, सामान रखो, बैठो बैठिए। आपसे एक बात पूछूं क्या? एक क्यों, सौ पूछो। आप जब शहर में थी तब मुझे याद करती थी क्या? देखो आप कहकर बात मत करो, मुझे प्रिया बुलाओ। तुम बचपन में जो श्लोक बोलते थे ना, उसे पढ़ के दोहराना, खाना खाते दोहराना, बोल कर ही कॉलेज जाया करती थी, श्लोक बोला करती थी, बोल के दिखाऊं? हाँ। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभम ज्ञान वैराग सिद्धार्थम। जीप क्यों रोक दी तुमने? देखिए, आप श्लोक गलत बोल रही हैं। सिद्धार्थम नहीं है, सिद्धत्तम। मैं बोलता हूं अन्नपूर्णे सदा पूर्णे।
क्या है माँ? हाँ, तुम पागल हो गई हो क्या? भगवान पे चढ़ाने वाले फूल तुम मुझ पर डाल रही हो। पत्थर की मूरत में भगवान नहीं होता, मेरे लिए तो तुम ही मेरे भगवान हो बेटे। इसलिए भगवान को चढ़ाने वाले फूलों को मैं तुम्हें चढ़ा रही हूँ। तुम क्या कह रही हो माँ? सांप के काटने से मेरा बेटा जो मरने वाला था उसे तुमने बचा लिया है बेटा। हमारी गंगा माता बिना किसी भेद के लोगों के पाप धोती है, उसी तरह तुमने मेरे बेटे की जान बचाकर इंसानियत का सबूत दिया है, इंसानियत का सबूत दिया। मौत का रास्ता रोककर जिंदगी को रास्ता दिखाकर अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर तुमने हमारे घर का चिराग बचाया है बेटा। भगवान तुम्हें हर मुसीबत से बचाए बेटा, तुम हमेशा खुश रहो। जाओ प्रिया बेटी, आ जाओ। डैडी। अंदर चल बेटी। वन टू थ्री एंड फोर। डैडी, ये सब एथलेटिक में फर्स्ट आने के लिए मिला है मुझे, एंड दिस कॉलेज में फर्स्ट रैंक आने का सर्टिफिकेट है। मेरी बेटी। मेम साहब, ये सब खरीदने के लिए कितने पैसे लगे? अरे पागल, तुम इतना भी नहीं जानते क्या? ये सब खरीदा नहीं है, मेरी बेटी खेल में, पढ़ाई में, सभी में फर्स्ट आई है, उसी की ये सब इनाम है बुद्धू। माधव, यू आर सो इनोसेंट। मैं समझा नहीं मैम साहब। अरे मैंने कहा तुम बहुत भोले हो। प्रिया, ये माधव गांव के लिए एक आईने की तरह है, ये जब हंसता है तो लोग हंसते हैं, रोता है तो रोते हैं। तुम्हारे माँ के गुजर जाने के बाद भी तुम्हें माँ बाप दोनों का प्यार दिया है, बस तुम्हारी शादी करवा के मेरे वंश के चिराग को हाथ में लेकर एक बार खिलाने से ही मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अब तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, पर आज के बाद जो कहूंगा वही करोगी, समझ गई? आप बस हुक्म कीजिए मालिक। सारे गांव में छप्पड़ बांध कर, रंगोली करा कर, हाँ, पास के सारे गांव वालों को खाना खिला कर धूमधाम से शादी करवा देते हैं। दुल्हन को उसके दूल्हे के घर की विदाई होने तक पूरे काम मैं करूंगा। हेलो, बस बस बस, शुरू हो गए तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। एडवांस टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ कर आई हूँ मैं। इस अभ्यास का यहाँ प्रयोग करके किसानों की समस्या दूर करके जैसा बाप वैसी बेटी कहलाना चाहूंगी। डैडी डैडी, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। अच्छा ठीक है, वैसे एक बात जान लो, तुम जिस दिन तुम्हारी किस्मत में शादी लिखी होगी उस दिन शादी हो कर रहेगी, ठीक है? जैसी तुम्हारी मर्जी। माधव जी मालिक, मेम साहब को ले जाकर हमारी जगह, खेती बाड़ी सब कुछ दिखा कर लेकर आओ। मेम साहब जो भी मांगे मना मत करना, समझ गए ना? आपने जो एक बार कह दिया समझो हो गया। इस गांव में बस मैं हूँ एक सयाना, लुभाता है सबका दिल मेरा गाना, जब मैं अपना मुंह खोलता हूँ। हाँ, होता है दीवाना। तू इतने दिनों से कहाँ चला गया था शिष्य? तुम्हें देखे हुए कितने दिन हो गए पता है बिरला? टाटा, अपनी जिंदगी से परेशान होकर तपस्या करने हिमालय पर्वत चला गया था, ज्यादा ठंडी लग रही थी, वापस आ गया। वैसे टाटा,
तुम हमेशा खुशी रहते हो, इसका राज क्या है बताओ ना, बताओ ना। बैठ जा बिरला। नहीं टाटा। बैठ जा। नहीं टाटा। अबे बैठ, नखरा क्यों कर रहा है? खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए, उसका क्या उपाय है, यही जानना चाहता है ना तू? तो सुन, एक खुशबूदार मोगरे का फूल ले लेना, एक किलो बर्फी ले लेना, मेरी औरत के पास जाना, उसे ये देना, फिर वो बाहों में आती है, रूम में ले जाती है, लाइट बंद करती है, फिर या सुबह तक मजा ही मजा आता है बिरला। टाटा ये सच है क्या? ऐसा करने से दुख दूर होगा क्या? बोले तो परेशानी दूर हो जाती है, अगर मेरी बात गलत हुई तो थूक कर मुझे दो गाली दे देना बिरला। टाटा अभी जाता हूँ। उधर कहाँ जाता है, वहाँ शमशान घाट है, मुर्दे मिलेंगे। अबे तेरी तो निकल जाएगी, इस रास्ते से जा जा। टाटा तुमने सुख पाने का रास्ता दिखाया है, मुझे आशीर्वाद दो, इच्छा पूरी करे, जा बिरला जा। अरे अरे अरे, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? अरे ये क्या कर रही हो तुम? क्यों मार रही हो इस बच्चे को? तुम्हें ये बच्चा लगता है? ये तो 10 वर्षों का बाप लगता है, 10 वर्ष का। ए, ऐसी क्यों बात कर रही हो? आखिर इसने किया ही क्या है? वो सब मैं अपने मुंह से कहूँ क्या? जरा इसे देखो, देखो जो करना था कर लिया, चुपचाप खड़ा है, इसे पूछिए। ए तेरी जात का, तू इधर आ। ए क्या किया है तूने? टाटा इंसान को खुश रखना है तो क्या करना चाहिए, आपने ही तो कहा था। हाँ, खुशबूदार मोगरे का फूल लेकर और 1 किलो बर्फी देने से काम बन जाएगा, ऐसा मैंने कहा था। वही तो मैंने किया टाटा, और इस बात के लिए मुझे झाड़ू से मारने लगी। मैंने गलत किया क्या? अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। मेरी औरत ने तुम्हें सिर्फ झाड़ू से मारा, ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। अबे साले कमीने, मुझे तो मार मार कर खत्म कर देना चाहिए। मेरी औरत कितना बदनसीब हूँ मैं, इस उम्र में अपने पोते पोतियों के साथ खेलने के बजाय, भगवान का नाम लेने के बजाय कुष्ठ रोग का शिकार होकर तुम्हें बहुत दुख दे रहा हूँ मैं। ऐसा मत कहिए जी, अगर हमारी किस्मत में ये दुख लिखा है भगवान ने, तो कहीं और सुख भी तो लिखा होगा। जब हम बच्चे के लिए उसके आगे रोते रहे तो उसने हमें बच्चे दिए। बच्चों के साथ खेलकर जीवन बिताने के समय में उसने यह कुष्ठ रोग की बीमारी दे दी, अपने बच्चों से ही दूर कर दिया। इसका अंत कब होगा? इस बेजान शरीर से आत्मा को मुक्ति कब मिलेगी? मुक्ति कब मिलेगी? अरे अरे माधव, माधव तुम्हें अभी बहुत जीना है, तुमने मुझ जैसे पापी को क्यों छुआ? जीवन में माँ बाप का प्यार ना हो, ये भी कोई जीवन है? अगर मुझे जन्म देने वाले मेरे पिताजी को ये रोग होता तो मैं उनकी सेवा नहीं करता? अपने माँ बाप को भुलाकर अपनी पत्नी के साथ खुश है वो इसी गांव में रहता है, खुद की औलाद को ये रोग ना लगे इसीलिए दूर रहता है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है बेटा कि तुम हमारे सगे बेटे जैसे ही हो। माँ मेरे होश संभालने से पहले ही मेरी माँ गुजर चुकी थी। मुझे आपने माधव नाम दिया, अपने आंगन में खेलने दिया, मुझे भूख लगने पर खाना भी खिलाया। क्या खून का रिश्ता ही सबसे बढ़कर होता है? इस अनाथ की ऐसी किस्मत नहीं है क्या? बोलो माँ। हम लोगों के होते हुए तुम अनाथ कैसे हो सकते हो? तुम अनाथ नहीं हो, तुम तो हमारे ही बेटे हो। इस जन्म में भगवान से मैं यही मांगूंगी कि अगले जन्म में तू ही मेरा बेटा बनकर पैदा हो जाए। रो मत माँ, बुरा लगता है। भूल गया, वो शहर से मैंने मालिश करने का तेल लाया था, इसे पिताजी को लगाकर गर्म पानी से नहलाओ, दर्द चला जाएगा और ताकत भी वापस आ जाएगी। लो मैं चलता हूँ। इधर आना।
पिताजी। आजा, आजा। दिनों से साफ नहीं किया हूँ, जाम हो गया है। गोली दो। लीजिए मैं। सरकार के हाथ में बंदूक है, मतलब लगता है आज किसी का शिकार होकर रहेगा। कह रहे हो। आइए आइए, बैठिए बैठिए। और बताइए, आज सभी लोग एक साथ यहाँ पर क्या बात है? गांव का त्योहार नजदीक जो आया है सरकार, इसलिए तैयारी करनी थी। अच्छा, प्रिया बेटी चार ग्लास छाछ लेकर आओ। तैयारी होते ही एक हफ्ते में मेला भी खत्म हो जाएगा, इसलिए तैयारी शुरू करने से पहले आपको पूछना जरूरी था। पड़ोस के गांव में खबर भिजवा दो, हर वर्ष जिस तरह मनाते हैं उसी तरह इस बार भी मनाएंगे। ठीक है। हमारे गांव में कोई बेसहाय बेरोजगार ना हो, इसलिए मेले में कुश्ती का मुकाबला करवा कर हमारे जीतने वाले पहलवान को आप 2 एकड़ जमीन दान करते थे। ये बात आपको पहले बताकर बाद में सब काम शुरू करना चाह रहे थे। हमारे पहलवानों के साथ साथ बेसहारा लोगों को सहारा मिलने के लिए अब तक 2 एकड़ जमीन दिया करता था। इस साल मेरी बेटी की आने की खुशी में 5 एकड़ जमीन दूंगा। मालिक, गंदी जगहों पे पलने वाला मांस मछली खाकर जीने वाले चील की छाया आप पर पड़ रही थी, और आप हमारे भगवान हैं, इसी वजह से मैंने मंगल कार्य होते वक्त अमंगल छाया पड़नी नहीं चाहिए, इसलिए उसे उड़ा दिया मालिक। अरे तुम तो अजीब आदमी हो। अरे व्रत रखकर भगवान से वर मांगने वाले लोग वर जल्दी ना मिले तो भगवान को कोसते रहते हैं, ऐसे लोगों से यह दुनिया भरी हुई है। देखो, मुझ पर निष्ठा होनी चाहिए लेकिन इतनी भक्ति नहीं होनी चाहिए। बेटे माधव, आने वाले रास्ते में अच्छे लोगों की बुरे लोगों की दोनों की छाया पड़ती है, तो क्या तुम बुरे लोगों को मारते रहोगे? जरा बात को समझा करो। चलो चलो, बहुत काम बाकी है। मर्द है तुम्हारे गांव में या नहीं?
सामने आओ, आओ। अगर किसी में दम है तो मुझसे मुकाबला करो। हमारे गांव की मर्यादा के साथ साथ मेरा गौरव भी तुमने मिटने नहीं दिया। जीते रहो माधव, जीते रहो। मैं हमेशा कहता था मैंने एक बब्बर शेर को पाला है, वो बात आज सच हो गई है, सच हो गई है। हाँ लो 5 एकड़ जमीन के कागजात तुम्हारे लिए। सजना सजना नशा चढ़ा तेरा, तू मिठुआ
सजनी सजनी नशा चढ़ा तेरा, तूने छुआ तो महका दिल मेरा। माधव तुम चुप क्यों बैठे हो, खाओ ना। मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। ये गरम गरम ही खाना चाहिए, खाओ ना। हाँ बेटा, गरम गरम ही खाना चाहिए। और माधव, आज मुझे जो खुशी हुई है उसके लिए तुम जो कहोगे मैं दे दूंगा। चलो चलो चलो, खा लो। आपको खुशी हुई होगी, मुझे नहीं। क्या हुआ है, कुछ बताओ माधव। इस अनाथ को फिर अनाथ बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन देकर दूर रखने की सोच रहे हैं आप लोग। मुझे जमीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए, मैं यहीं रहूंगा मालिक। अरे पगले। ए माधव, तुम कहाँ रहते हो पता है? यहाँ, यहाँ हमारे दिल में बसे हो। सरकार, ये बहुत भोले स्वभाव का है। हाँ पुजारी जी, इसीलिए हमारे माधव की हमारे गांव में एक हैसियत होनी चाहिए, यही मेरी इच्छा। जब तक मेरी जान में जान बाकी रहेगी तब तक मैं आपके ही पास रहूंगा मालिक। आप हमेशा, माधव तुम खेत में गए क्या, माधव बैलों को बांधा क्या, माधव खाना खाया क्या, मैं हमेशा ऐसा ही सुनना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है। इस माधव को अनाथ मत कीजिएगा मालिक, मत कीजिएगा। जंगल में पुजारी जी की बेटी का खून हो गया है। चाची, पुजारी जी की बेटी का खून हो गया है। पुजारी जी की बेटी का खून हो गया है। भैया, जंगल में पुजारी जी की बेटी का खून हो गया है। खून हो गया है। तू तो बहुत चिल्लाता है यार। दर्द हो रहा है। मैंने भारी से भारी दर्द की छुट्टी की है। ध्यान देकर काम नहीं कर सकते। अब मुंह बंद कर अपना। थोड़ा सब्र कर। माधव भैया, जंगल में दीदी के सर पर पत्थर मारकर किसी ने उसे मार दिया है। सर फट गया है। पता नहीं किसने मारा है। छोड़कर चली गई बेटा। पता नहीं किसने मारा इसे। Ha 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 ha
तुम्हें दिलासा देने की शक्ति नहीं है मुझ में। बीते हुए कल को आज याद करके जिंदगी बर्बाद मत करो, और जो हो गया है उसको भुलाकर आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। अगर ये भुला देने जैसी बात होती तो कब का भुला देता। उसकी मौत मुझे जीने नहीं दे रही है। वो जंगल में क्यों गई होगी? किसने उसे मारा होगा? कहीं रंगा तो कहीं एक अनर्थ के कारण कोई और अनर्थ ना हो जाए बेटा, समझे? अब तक ना वो रंगा गांव से बेदखल होने के बाद यहाँ किसी को नजर नहीं आया है। ये बात नहीं है पिताजी। देखो बेटे, मौत किसी को पूछकर नहीं आती है ना बेटा, वो किसी की जागीर नहीं है बेटा। एक तो बेटे की मौत का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अगर तुम्हें भी कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा बेटा। आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी, खुद को संभालिए। माधव, इस तरह घर में रहोगे तो उदासी छाई रहेगी, काम पर रहोगे एटलीस्ट टेंशन तो नहीं रहेगा। मेरी बात सुनो, चलो चलो तो सही। साले कमीने, मेरा दिया हुआ मंत्र तूने मुझ पे ही मारा। अरे टाटा, अरे टाटा, इतनी जोर से क्यों चिल्लाया? अरे वो देखो, एक औरत रो रही है, उसकी परेशानी उसे पूछो, इसीलिए आवाज दी। अगर टाटा जैसे आदमी उसकी परेशानी दूर नहीं कर पाए तो इज्जत क्या रहेगी? ऐसी बात है। हाँ बिरला आ जा। तुम कौन हो देवी, और बंजारों की तरह क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? क्या बताऊं भैया, मैं और मेरे पति यहाँ मेला देखने के लिए आए थे, लेकिन वो मुझे यहाँ छोड़ के चले गए। क्या आदमी है भाई, अपनी पत्नी को यहाँ कैसे छोड़कर चला गया? शिष्य बिरला, ये छोड़कर जाने का केस नहीं है, वो किसी आइटम को लेकर निकल गया होगा। आपके मुंह में कीड़े पड़े। अरे साले टाटा, मेरा पति है ना श्री रामचंद्र की तरह, पता है? आपका कौन सा गांव है? हमारा गांव चंद्रपुर है, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता मुझे पता नहीं है। रोना नहीं, रोना नहीं। चंद्रपुर 3 गांव पार करना होगा। ठीक है, मैं आपको छोड़ दूंगा, चलिए। आइए, यही घर है क्या? अरे नरसिंह बाहरा, अपनी पत्नी को दूसरे गांव में छोड़कर तू यहाँ आराम से बैठा है? हाँ चल, बाहर निकल साले, बाहर निकल साले। कौन कमीना मुझे गाली दे रहा है? और चिल्लाओ टाटा। अबे नामर, बाहर निकल, बाहर साले। ए सुनाई नहीं दे रहा क्या नरसिम्हा? कौन मुझे गाली देकर बुला रहा है? राजलक्ष्मी, मेरी अर्धांगिनी राजलक्ष्मी, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर वहाँ मैं परेशान हो गया था। वो क्या है ना, वहाँ से ये लोग मुझे यहाँ लाया, आपसे मिलाया। ऐसे अच्छे लोगों को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। तू अंदर जा। आपने मेरी पत्नी से मुझे मिलाया, आपको खाली हाथ कैसे जाने दूँ? टाटा, मुझे तो ये मालदार पार्टी लगती है, बहुत ध्यान से चुना लगाना। तो ये बात है। देखो भाई, तुम जो भी हमें दोगे ना, हम दोनों को अलग अलग ही देना, समझ गए ना? ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलिए अंदर देता हूँ। दोगे क्या? साले कमीने, देगा बोला तो निकल लिया। देखो भाई, ये आदमी मेरा चेला है, थोड़ा देख कर देना और बाद में मुझे दिल खोल कर देना। ए बिरला जा, तेरी किस्मत खुल गई। चलो चलो, दे दे भाई, दे दे, जल्दी दे दो, मेरे पास गिनने के लिए टाइम नहीं है। गिनने पे जल्दी क्या है, रुक जा। हरामी की औलाद, पिछले 20 सालों से मैं अपनी औलाद को झेल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए जानबूझकर मैंने उसे वहाँ छोड़ा था, और तुम लोग
दोबारा उसे मेरे पास ले आए। हाँ, एक दिन उसके साथ रहकर देखो, फिर तुम लोगों को मेरी परेशानी पता चलेगी। हाँ, तेरी जान का मान आया, ऊपर से मेरे सर पर नमक कर रहे हो। टाटा, ये चला जा, बहुत दिया होगा ना। टाटा, अरे सुन, कोई तो बात नहीं बिरला, मत बता। अरे सुन तो टाटा, इसी के लिए गुस्सा आता है। पैसा मिलने के बाद तेरी बोलती ही बंद हो गई है। ए, तू यहाँ पे बैठ, अब मैं जाकर आता हूँ, दोनों अपने गांव साथ जाएंगे। अगर साले तू यहाँ मुझे छोड़कर गया ना, तो जान से मार डालूंगा। नरसिंह, नरसिंह, मैं आ रहा हूँ। देखो भाई, वो बेवकूफ मेरा चेला है और मैं गुरु हूँ। उसको जो तुमने दिया है ना, उससे भी ज्यादा कहीं अधिक तुम्हें मुझे देना होगा। ये मेरी इज्जत का सवाल है। चेक वेक मैं नहीं लेता, समझे ना तुम। कैसी दे देना। अबे साले बिरला, तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि उसने तुझे अंदर मारा है? मैं क्या यहाँ मार खाने के लिए आया था? किधर गया तू, किधर गया तू? अरे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बच गई ना बहन। अरे वाह, चुपचाप क्यों जा रहे हो? कुछ तो बोलो माधव। माधव, अरे तुमसे बात कर रही हूँ, एटलीस्ट हंसो माधव। ए, ए माधव, माधव मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम जा रहे हो। हा? क्या हुआ? उदासी तुम्हारे चेहरे पे अच्छी नहीं लगती, जरा हंस के तो बोलो। हाँ, वो देखो, वहाँ जो केलों का बाग दिख रहा है ना, वहाँ से सीधे आकर वो नारियल के पेड़ों का बगीचा, सुपारी का बगीचा, फिर वहाँ से यहाँ तक देखिए, आम के बगीचा दिख रहा है ना, वो सब अपने मालिक का है। मैं अपनी जमीन नहीं, तुम्हारी हंसी देखना चाहती हूँ। वैसे इसमें हंसने वाली क्या बात, बोलो। मैं बताऊँ? हाँ बताओ। आई लव यू। आई लव यू। अरे माधव, आई लव यू। इतना चिल्ला क्यों रही हैं आप? मैं समझ गया ना। अरे क्या समझे, तुम्हारा सर। अरे मेरा सर नहीं, आपने कहा वो आई लव यू, वो। आप हंस क्यों रही है, मैंने कुछ गलत कहा क्या? कह छोड़ो, आई लव यू मतलब क्या पता है? आई लव यू मतलब मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं सच कह रही हूँ माधव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हारी बातें, तुम्हारी चाल, तुम्हारी अदा मुझे बहुत पसंद है। माधव, आई लव यू। माधव, आई लव यू। क्या हुआ? आसमान में चमकता सितारा है आप, और मैं जमीन की धूल हूँ। कहाँ वह सितारा और कहाँ ये धूल, कितना अंतर है। प्यार से भरी हुई नजर कभी अंतर नहीं देखती, दिल देखती है, और वो दिल तुम्हारे पास है। आई लव यू, आई लव यू माधव, आई लव यू। आँखों में हमारी ये प्रीत है तुम्हारी ये जान लो, जान लो। सांसों में हमारी ये खुशबू है तुम्हारी ये मान लो, मान लो। प्यार बढ़ता जाए ये दिल गाता जाए, गामा मापा पानी निसा पामा पामा गम, मान लो, जान लो। आँखों में हमारी ये प्रीत है तुम्हारी ये, आँखों में हमारी ये प्रीत है तुम्हारी ये, जान लो।
आकाश में देखो चमके, झुमके ये धरती गाती ही जाए, मामा मापा पानी निसा, मामा पापा गामा मान लो, हक में हमारी ये प्रीत है तुम्हारी ये जान लो जान लो, सांसों में हमारी ये खुशबू है तुम्हारी ये मान लो। गाती है गामा मापा पानी निसा पामा पामा गामा जान लो मान लो, आँखों में हमारी ये प्रीत है तुम्हारी ये जान लो जान लो, सांसों में हमारी ये खुशबू है तुम्हारी ये मान लो मान लो। प्यार बढ़ता जाए ये दिल गाता जाए, गामा मापा पानी निसा पामा पामा गामा जान लो मान लो। धोखेबाज कही के रंगा को जिस काम के लिए तुमने पीटा था वही तुम कर रहे हो। प्लीज डैडी माधव को मत मारिए। माँ बाप न होने वाले भिखारी को तुम्हें नहीं, डैडी, मेरी बेटी ही चाहिए क्या? माधव की ईमानदारी देखी, पिता होते हुए भी मैंने आप पे हाथ उठाया, खून बहे जितना आपसे मार खाने के बाद भी मेरे भगवान पे हाथ क्यों उठाया ये सोच के मारा। ऐसी निष्ठा ऐसी भक्ति ऐसे मन के सामने आपकी कोठी माधव के पैरों की धूल बराबर है। मैं इसी से प्यार करूंगी, इसी से शादी करूंगी, आपको और आपके जागीर को गुड बाय। चलो माधव। दाद देता हूँ बेटी, दाद देता हूँ तेरी हिम्मत को, दाद देता हूँ मैं तुम्हारे सच्चे प्यार को। आ आ बेटी, डैडी आ मेरी जान।
डैडी, डैडी मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा इसका मुझे दुख नहीं है। तुम माधव को कितना चाहती हो यही देखना चाहता था मैं। शान और शौकत की जिंदगी में पली हो तुम, प्यार के नाम पर खेल कर कल माधव का साथ छोड़ देती तो। बेटी ने बेइज्जत किया है बर्दाश्त कर सकता हूं, कोई बात नहीं है, लेकिन माधव के मन को अगर चोट पहुंचती तो मुझसे ये कभी बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए नाटक करना पड़ा। प्रिया, इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा और कौन है? तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। माधव इतने दिन मेरे बेटे जैसा था, पर आज के बाद मेरा दामाद कहलाएगा। हाँ, मेरा दामाद कहलाएगा। हे माधव, इधर आ। मलिक। माधव, बहुत मार लगी ना? नहीं मलिक। सौ साल खुशी से जियो। आने वाले गुरुवार को तुम दोनों की मंगनी है। I love you, Daddy. पिताजी। दास, क्या माधव भैया? दास, पिताजी को देखा कहीं? सुबह को उनको ढूंढने आया था, उन्हीं के साथ गए हैं, बोले 2-3 दिन में आएंगे। कोई यहाँ आया था? कौन होगा? क्यों भाई, सिर्फ इतनी सी साड़ियाँ लाए हो? ये सब खास साड़ियाँ सरकार, सिर्फ शादियों के लिए बनती है, सब नया डिजाइन है। ये साड़ी अच्छी है। बहुत अच्छी है। देखिए, शादी के लिए और अच्छी साड़ियाँ लाना, फिर निमंत्रण के लिए, हल्दी के लिए, कार्यक्रम के लिए, सभी कार्य के लिए हिसाब से साड़ियाँ होनी चाहिए। समझ गए ना? ए माधव, देखकर यूं ही जा रहे हो? आओ ना, इधर आओ ना। आओ दामाद जी, वापस क्यों जा रहे हो? कुछ कुछ बात करनी है क्या? मालिक, पिताजी गाँव में नहीं है, आने में 3 दिन लग जाएंगे उन्हें। इसीलिए मंगनी को टाल दो यही कहने के लिए आया था। अरे पगले, ये शादी नहीं है, सिर्फ मंगनी है, हो जाने दो। बेटी, वैसे माधव आ गया है, तुम दोनों बैठकर जो साड़ी चाहिए उसे ले लो और इन्हें भेज दो। मैं जरा बगीचे में जाकर आता हूँ, ठीक है? चलता हूँ सेठ जी, जो कुछ पूछना है इनसे पूछिए। कौन सा रंग पसंद है बताओ, मैं वही साड़ी लूंगी। बैठो बैठो, ये रंग अच्छा है। जल्दी जल्दी चलिए। ए गोपाल। जी मालिक। जरा रसोई घर में ध्यान दे तो। ठीक है मालिक। ए रमेश, चटाई ठीक से तो डाल। ठीक है सरकार। ए सब्जी में नमक डाला है ना? जी। सब्जी जल्दी जल्दी काटिए, तुम भी ठीक से काम करो। ओ आइए शंकर जी, आइए। नमस्कार। भगवान पर भी, अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती तो वो भी अपनी बेटी की शादी अनाथ के साथ नहीं करते। आपके बड़प्पन की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जिसका एक पैर जमीन और दूसरा कब्र में हो, उसे इतना सोचने की क्या जरूरत है? आपने वो कहावत तो सुनी होगी, नेकी कर और दरिया में डाल। नमस्ते मालिक। नमस्ते नमस्ते, आइए अंदर आइए, आइए। पंडित जी, बहुत ही शुभ होना चाहिए, ऐसा मुहूर्त निकालिए। नाचेंगे गाएंगे। ए कालिया, जरा यहाँ आ। तू इस तरह भीग क्यों रहा है बेटा?
आपने जिस माता भैया को पाला था ना, उनकी और हमारे सरकार की बेटी की आज मंगनी है। आप तो कहीं गए थे, सरकार ने सारे गांव वालों को निमंत्रण दिया था, चलिए आप भी चलिए। बेटी प्रिया जल्दी आ बेटी। आई। पंडित जी हाँ? जल्दी जल्दी शुरू कीजिए, खाली बदलवाते हैं। ठीक है मालिक। ओम शिव शिव शंभोराग्ने प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बोद्वीपे भरतवर्षे भरतगंडे मेरोर्दक्षिण दिग्भागे शालीवाहनसिके। पुजारी, तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया। तुम्हारी इस गुस्ताखी के लिए मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ऐसा क्यों किया तुमने? मुझे खत्म कर देंगे तो कीजिए, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं अगर वो पूरा हो गया तो आप गांव में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे और सच को आप खत्म नहीं कर पाएंगे। आप मुझे ही खत्म कर सकते हैं, कीजिए। हे पुजारी, जो बोलना है ठीक से बोलो, नहीं तो इस दुनिया में किसी भी भाई की शादी अपनी बहन से नहीं हो सकती है। क्या झूठ है और क्या सच है ये तुम्हारे पिताजी अच्छी तरह से जानते हैं। गिरजा, मेरी गिरजा का बेटा है ये। हाँ, 20 साल पहले आपने अपने पिता के डर से आपने अपने प्यार गिरिजा को जब छोड़ दिया था तब वो गर्भवती थी और उसका ही बेटा है ये माधव। बहुत जोरों की बारिश में आधी रात को उस बच्चे को मुझे सौंप कर और दम तोड़ दिया। अगर उसी दिन में वो बच्चा आपको देता तो कहीं आपकी जिंदगी में दरार ना पड़ जाए ये सोचकर मैंने ये बात आपसे छुपाई। ये सब क्या हो रहा है बेटे? इसे आपके छत्रो छाया में पलते देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी, लेकिन ऐसा अनर्थ होते देखकर अगर मैं अब भी चुप रहता तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा ये सोचकर मैंने सच्चाई आपको बताना जरूरी समझा। बाय बेटे, बाय। We'll be right back.
माधव बेटे, आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका तुम्हें काफी दुख हुआ होगा, ये मैं जानता हूं बेटा, पर इसके लिए मुझे माफ कर दो बेटा। अरे रे रे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? हाँ, मेरी बेमतलब जिंदगी को आपने एक मकसद दिया है। मेरे पिताजी कौन है ये आपने मुझे बता दिया। पिताजी क्या बेटा, इतने सारे दुख मुझे ही क्यों मिलते हैं? बेटा, अमृत पीकर तो कोई भी जी सकता है, लेकिन जहर पीकर जो जिया है वो सिर्फ भगवान शिव जी है बेटा। लेकिन उनके बाद सिर्फ तुम ही हो बेटा, सिर्फ तुम ही हो बेटा, सिर्फ तुम ही हो। पुजारी जी, पुजारी जी। सरकार, सारे गांव वाले अपनी जरूरतों को लेकर आपको ढूंढते हुए आपके दरवाजे पर जाते हैं, पर आज तो आप खुद ही मेरे दरवाजे पर चले आए। सरकार, क्या बात है? आज के बाद मेरा बेटा मेरे घर में रहेगा, मैं उसे लेने आया हूं, उसे मेरे साथ भेजिए पुजारी जी। सरकार, आपको मैं मना करूं ऐसा मेरा कौन सा अधिकार है? ले जाइए पिताजी, मैं आपका घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बेटा, बेटा ऐसा मत बोल, बेटा ऐसा मत बोल। मरने के बाद मेरी चिता को हाथ लगाने वाला मेरा कोई नहीं है, सोचकर काफी रोया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, इतना ही नहीं तुम्हारी माँ को धोखा देने वाला पापी मैं हूँ बेटा, पापी मैं हूँ। सारी दुनिया जानती है तू ही मेरा बेटा है और मैं ही तेरा जन्म देने वाला बाप हूँ, ये बार बार कहकर अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा मैं। मना मत कर बेटा, आओ बेटा। जिसने तुम्हें जन्म दिया, अगर तुम चाहते हो कि उस मरी हुई माँ की आत्मा को शांति मिले तो तुम्हें अपने पिता के साथ रहना होगा, ये उसकी आखिरी इच्छा भी थी। जाओ जाओ, अपने पिता के साथ घर जाओ। नहीं पिताजी, मैं ये कहना चाहता हूँ। बेटा, मेरे वंश का चिराग हो तुम, इस चिराग को मत बुझाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुमसे दया की भीख मांगता हूँ, मना मत करना। मालिक, मुझे मालिक नहीं, पिताजी, पिताजी बुलाओ बेटा, पिताजी। पिताजी, एक बार और कहो बेटा। अरे बेटा, पिताजी, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। पिताजी, जीते रहो, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे बेटा। जाओ। बेटा, तुम मेरे इकलौते वारिस हो, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? इस बक्से में वो अमानत है जो मेरी माँ मेरे लिए छोड़ गई। गिरजा, 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 इसे संभालने की जिम्मेदारी मेरी है बेटा। चल बेटा, चलता हूं पुजारी जी।
अगर इंसान कभी गलती ना करे तो भगवान बन जाता है। 25 साल पहले जो गलती मैंने की थी, अगर उसे आज भी कबूल नहीं करूंगा तो मेरी जिंदगी व्यर्थ है, समझो। मैं उस दिन अगर थोड़ी सी भी हिम्मत करता तो आज ऐसा दिन कभी नहीं आता। जान से ज्यादा जिस गिरजा को मैं चाहता था उसके साथ धोखा भी नहीं होता। आज मैं अपना सीना ठोक कर कहता हूं, मेरा बेटा जिसके अंदर मेरा खून दौड़ रहा है, ये माधव है। इसमें मेरा खून तो दौड़ रहा है मगर ये पला बड़ा है तो आपके हाथ का निवाला खाकर। इस गांव की जिम्मेदारी के साथ मेरी सारी जायदाद मैं इसके नाम करता हूं। आज से ये आपका सरकार है बेटा। इसकी क्या जरूरत है पिताजी? मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब इन्हीं लोगों के सामने मेरे पिता ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी और अब ये मैं तुम्हें सौंपता हूँ बेटा, लो। दादा, इसके तो दिन फिर गए। अबे चुप कर। बेटा। माँ। बेटा, हमारे गांव के लिए तुम्हारे पिता दशरथ की तरह है, उनका बेटा तुम हो, हमारे लिए श्री राम जैसे हो। हम गांव वालों के लिए किस बात की कमी है, किस बात की कमी है। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सरकार है तू बेटा, सरकार है, सरकार है। कुत्ते की नजर, बिल्ली की नजर, कौवे की नजर, उल्लू की नजर, औरतों की नजर, सबकी नजर तू तू तू। हमारे बड़े हुआ आज बना है काका मुखिया। हाथ में हमारे बड़े हुआ आज बना है काका मुखिया। आंखों का तारा ये सबसे है न्यारा, ये सबका है प्यारा, ये सबका है सहारा। ये चाहे तो आसमां छू ले दिल वाला, ये मुखिया हिम्मत वाला, ये मुखिया। खेला बाहों में झूला, प्यार तुम्हारा पाया, कभी न छूटे कभी न रूठे, साथ रहे सदा साया। प्यार से अपने एक दिन प्यारे जीते गाए, जहाँ तू जहाँ भी जाए खुशियाँ तू लाए, प्रेम की धारा बहा तू। सबकी इज्जत करने वाला, सबकी मदद ये करने वाला, ये मुखिया, हाँ ये मुखिया, ये मुखिया, मुखिया। हाथ में हमारे पड़े हुआ आज बना है काका मुखिया। आरती उतारो, नजर को उतारो, बुरी नजर ना लगे, बुरी बला से बचे। Thank you.
खुशियाँ ये लाया, खुशियाँ ये लाया, मुझको इसने बचाया। सच्चाई के रास्ते पर ये ही मुझको लाया। मेरे जीवन का मकसद नहीं था, आपने मुझको बताया। अपने चरणों में जगह दे के मुझ पे प्यार लुटाया। शान से जीना ये तो जाने, शान से मरना ये तो जाने। दिल वाला, हिम्मत वाला, ये मुखिया, ये मुखिया, हाथों में हमारे बड़ा हुआ। आज बना है काका मुखिया, आंखों का तारा, ये सबसे है न्यारा, ये सबका है प्यारा, ये सबका है सहारा। ये चाहे तास मचूले दिल वाला, ये मुखिया, हिम्मत वाला, ये मुखिया, हिम्मत वाला, है, है, हिम्मत वाला। लेके आज तक मैंने सिर्फ तुम ही को सच्चे दिल से चाहा है। मेरे खून के हर एक कतरे में तुम ही बसे हो। माधव, मेरी परेशानी को समझो। जिस रिश्ते से तुम वाकिफ ही नहीं थे उसे मान कर मेरे प्यार को मत ठुकराओ। प्लीज प्लीज मेरे सवालों का जवाब दो माधव, बात करो। तुम्हें खोकर मैं जी नहीं सकती माधव। चलो हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। भाई बहन के रिश्ते को बदनाम करना चाहती हो, दुनिया के दस्तूरों को बदलना चाहती हो। हमारी संस्कृति की शक्ति कुछ ऐसी है, गलत होने से पहले हमारे असली रिश्ते को भगवान ने बनाया था, इसलिए हमारे देश में आज भी अच्छे संस्कार हैं। देखो प्रिया, जज्बात में आकर पागलों जैसी हरकत मत करो। घर चलो, चलो घर। आखिर है तो मेरा ही खून। आपने मुझे बुलाया, क्या बात है सरकार? बिना नारी का घर भगवान के मंदिर की तरह होता है। बिन माँ की मेरी बेटी के लिए मैं एक जिम्मेदार बाप तो जरूर बना, पर माँ नहीं बन सका। चंदर जी, दुखी मत होइए। दुख भरे आपके मन से पत्थर भी पिघल जाएगा। आपके दुख को भगवान जरूर दूर करेगा। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ सरकार? जवान बेटी को कब तक घर में रखूंगा? आजकल वो उदास भी रहती है, इसलिए एक अच्छा लड़का ढूंढिए, उसकी शादी करवा दूंगा। आपके घर से रिश्ते मतलब भगवान का दर्शन पा जाना है, रिश्तों की लाइन लग जाएगी। आप तो जानते ही हो जो कुछ हुआ चंदर जी। सरकार मैं सब संभाल लूंगा। प्रिया, प्रिया क्या हुआ बेटी? प्रिया मेरी बात तो सुनो। ए प्रिया सुनो, बेटी रुको, मेरी बात तो सुनो। प्रिया, प्रिया मेरी बात तो सुनो। अरे बेटी रुको, रुको, क्या करने जा रही हो? प्रिया, प्रिया मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बेटी। प्रिया, छोड़ दो मुझे। हर समस्या का समाधान आत्महत्या ही होता तो इस गांव में कोई नहीं बचता। तुम जैसी समझदार लड़की ऐसा करेगी तो कैसा चलेगा है? जो लोग पिताजी को अपना भगवान समझते हैं उनके सामने पिताजी की इज्जत मिट्टी में मत मिलाओ, उनको मरने पे मजबूर मत करो। देखो, इंसान की तकदीर में जो लिखा होता है वही होता है। बेकार के काम करके हमारी इज्जत नीलाम मत करो। अगर तुम्हें मेरी कदर है, मुझ पर अभिमान है और मेरी इज्जत करती हो तो आज के बाद ऐसा नहीं करोगी तुम, मुझसे वादा करो।
क्या सोच रही हो? हमारी पूरी जिंदगी चिंता की चिता में जलकर खाक ना हो जाए, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मुझसे वादा करो, करो। सोचना है क्या, जानना है क्या? जो भी होगा वो टाटा देखा जाएगा। आ गया मेरी जिंदगी की पनौती। टाटा, मेरे आते ही सर पे तौलिया क्यों डाला? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? सब कुछ डुबाया ही तो है। 10 लाख की लॉटरी के लिए हजाम का डब्बा पानी में डुबाया, मेरी ही बताई आइडिया को लेकर मेरे और मेरी पत्नी के बीच करवाया। इतना ही नहीं, उस नर्सिंग के हाथों मुझे तूने जमकर पिटवाया, और क्या बिगाड़ना चाहता है तू? टाटा, तुम ऐसी बात मत करो, तुम पुरानी बात भूल जाओ, क्योंकि मैं बहुत बदल गया हूँ। टाटा, तुमको इस तरह बेरोजगार बैठा देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। टाटा, अपने पहचान के एक बैंक मैनेजर से पूरी तरह बात की है। तुम्हारे पास राशन कार्ड है ना? वो राशन कार्ड उसके पास गिरवी रखकर दूध देने वाली गाय लेकर आते हैं। बिल्कुल नहीं बिरला, अब तुम पर भरोसा करना बेवकूफी है। अगर मैंने तुम्हें और ढील दे दी ना, तो तू बैंक वाले के पास मुझे गिरवी रखा देगा। कौन बेवकूफी आदमी को रखेगा? क्या कहा? टाटा, मैं पूरी तरह बदल चुका हूँ। तुमने मुझे कई बार खाना दिया, सोने के लिए जगह दी है, इस बार मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ करूंगा। चलो भाई, अरे चलो ना भाई, चलो आओ, चलो। मेरी दिलाई हुई गाय कैसी है? बहुत मस्त है बिरला, जिंदगी में पहली बार तुमने अच्छा काम किया है। तुम्हारी पुरानी गलतियों को मैंने भुला दिया, मैं तुझ पर कभी गुस्सा नहीं करूंगा। कितना लीटर दूध देती है पता है? कितना? 40 लीटर। ऐसा क्या? टाटा, तुम रुक क्यों गए? एक तो रात काफी हो चुकी है, ऊपर से इतनी दूर जाना है, वो बागीचा भी पार करना है, ऊपर से तुम बेवकूफी मेरे साथ हो, और इस गाय को भी लेकर जाना है, कैसे जाएंगे बोलो? एक काम करते हैं, आज की रात यही बिताते हैं, कल सुबह होते ही चल पड़ेंगे। टाटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर एक काम करो। क्या बिरला? तुम सो जाओ, गाय की रखवाली मैं करूँगा। अरे नहीं बाबा नहीं, एक तो गाय पहले उधारी में खरीदी है। नहीं नहीं, मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है। एक काम करते हैं, एक एक घंटा कभी तुम कभी मैं सोएंगे जागेंगे। टाटा तुम सुनो, काफी थक चुके हो, तुम सो जाओ, गाय की रखवाली मैं करूँगा। बाप रे, नहीं नहीं बिरला, तू गाय की रखवाली करेगा, मैं कैसे यकीन करूँ तेरे ऊपर? टाटा, तुम्हें तुम्हारी औरत की कसम। अरे बाप रे बाप, गाय को मैं संभालूंगा, ईमानदारी का नाम बिरला है। तुम सो जाओ, तुम सो जाओ टाटा। ध्यान से रखवाली करेगा ना, देखो तुझ पे भरोसा करके सो रहा हूँ बिरला। अपनी तो कोई इज्जत ही नहीं है। जय भोले शंकर, ध्यान देना, मेरा मुंह मत खुलवाओ टाटा, सो जाओ। ऐसे भी नहीं वैसे भी नहीं तो कैसे, ऐसे भी नहीं वैसे भी नहीं तो कैसे, ऐसे भी नहीं वैसे भी नहीं तो कैसे? ए बिल्ला, तू उधर क्या देख रहा है? टाटा, नदी नहीं है, झील नहीं है, फिर भी आसमान से बारिश होती रहती है, वो कैसे? अरे वाह 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 वाह, ए क्या सोच है तेरी भी। ए सोचता रह, सोचता रह, शायद तुम्हारी समझ में कुछ आ जाए। ए गाय पर ध्यान देना। तुम सो जाओ टाटा। हाँ सो जाओ। ऐसा भी नहीं है वैसा भी नहीं है तो कैसा है, ऐसा भी नहीं है वैसा भी नहीं है तो कैसा है? हे भगवान, ऐसा। अरे बिरला, अरे गाय कहाँ गई? ए तुम चुप रहो, तुम तो घोड़े बेचकर आराम से सो रहे थे और मैं आगे फाड़कर रखवाली कर रहा हूँ। वहाँ से कोई आया और चुपचाप गाय को खोला और उसे लेकर सीधा निकल गया। तब से मैं यही सोच रहा हूँ कि वो गाय को लेकर गया कैसे। अरे तेरी जात का बिरला, मैं तुझे जान से मार डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा, और मेरा क्या क्या बिगाड़ेगा तू? अरे मैं तुझे मार रहा हूँ, तू हंस रहा है? तुम तो सिर्फ मुझे मार रहे हो ठीक है, पर जिस बैंक से कर्ज लिए हो तुम्हें मारेंगे तो क्या करोगे?
नमस्कार। नमस्कार। बेटा ये सब क्या है, कौन है ये लोग? पिताजी, प्रिया को देखने के लिए लड़के वालों को बुलाया था। ये श्रीकांत है, लड़का, उनकी माँ। नमस्ते। बहुत अच्छे लोग हैं। आइए आइए आइए, चलो बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ बैठिए, आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी दो मिनट में आता हूँ। ये मेरा एकलौता बेटा है, नाम है श्रीकांत, बीए पास किया है इसने और हम मैसूर के हैं। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। बैठो। लड़के हमें पसंद है, क्यों बेटा? हाँ माँ। आपकी बेटी को हमारा बेटा पसंद है क्या, पूछ लीजिए। क्यों बेटी, तुम्हें लड़का पसंद है ना? हाँ, लड़की अगर शर्म से अपना सर झुकाती है तो समझो मान गई। बहन, आप जब चाहे जैसे चाहे हम वैसे शादी करवा देंगे। हमें तो घर की महालक्ष्मी चाहिए, जैसा आप ठीक समझे। फिर देर किस बात की, मंडप बात कर शहनाई बजवा देते हैं। क्यों बेटा? देखो तो दिल मिले, देखो ये महारानी, देखो मन ही मन मुस्काए, ये जोड़ी बनी देखो है कितनी सुंदर, देखो है सब बधाई देने इनको, देखो आ जाए। बधाई दो बधाई दो बधाई दो बधाई दो, सब दिल से बधाई दो, ये फूल खिले देखो तो दिल मिले, देखो ये महारानी, देखो मन ही मन मुस्काए, ये जोड़ी बनी देखो है कितनी सुंदर, देखो है सब बधाई देने इनको, देखो आ जाए। आँखों में हजारों सपने, ये गोर 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 गाल प्यारे प्यारे कितने, दिल धक 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 लगे है करने, ये मीठी 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 बातें लगे है करने, ये तो सौभाग्य का दिन आ ही गया, जो सोचा था पल आ ही गया, जो आप कहे मैं तो वही करूं, फूल खिले देखो तो दिल मिल देखो, हे महारानी देखो मन ही मन मुस्काए, हे जोड़ी बनी देखो है कितनी सुंदर, देखो है सब बधाई देने इनको, देखो आज आए। पायल तेरी जैसे, खन 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 के ये कंगना तेरा जैसे, प्यारी 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 है मुस्कान ये तेरी, ऊंची 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 ये उड़ान है तेरी, ये प्यार के आंसू है खुशियों भरे, इस जन्म में ना कुछ और भी चाहिए, आया है दिन ये खुशियों से भरा, ये फूल खिले देखो तो दिल मिले, देखो ये महारानी, देखो मन ही मन मुस्काए, ये जोड़ी बनी देखो है कितनी सुंदर, देखो है सब बधाई देने इनको, देखो आज आए।
यहाँ चलो बेटा। पिताजी, चलता हूँ बाबूजी। कहा था ना, आग से खेलोगे तो जल जाओगे, पानी से खेलोगे तो डूब जाओगे, और मुझसे टकराओगे तो मारे जाओगे। पिताजी, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। हे, तेरे वंश को जब तक मिटा नहीं दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा मैं। तेरी, देखा उसने क्या कहा उसने? नहीं बेटे, शांत हो जाओ। अभी अभी घर में शुभ कार्य हुआ है, खून खराबा होना ठीक नहीं है। तुम्हें तो अभी बहुत जीना है बेटे, खुद को संभालो बेटा, खुद को संभालो। दिल में मेरे तू ही रहती है। श्रीकांत, इडली गरम है, एक और ले ले बेटा। नहीं माँ, बस। प्रिया ने नाश्ता किया? अब तक उसकी पूजा नहीं हुई है, पूजा खत्म होते ही हम साथ में नाश्ता करेंगे, ठीक है? जो कहा जाता है वही किया करते थे, चुपचाप बैठा कर, समझी? अरे बेटे को पैदा करके उसके छाती पर मूंग डालना चाहती है, ऐसी कमी नहीं है तुम्हारी माँ। आहा, कहीं मर क्यों नहीं जाती है बुढ़िया।
क्या हुआ माँ, ये सब क्या है? बेटा, मेरे बेटे को सांप ने काटा था और तुमने उसकी जान बचाई थी, इसलिए मैंने तुम पर फूल चढ़ाए थे, वंश बढ़े इसलिए इसकी शादी करवाई थी। पत्नी की बात सुनकर मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बेटा, बेटे से दूर रहने का दिल नहीं करता, ये बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए मौत की तलाश में जा रही हूँ। बेटा, मौत की तलाश में जा रही हूँ। जब तक तुम्हारा ये बेटा जिंदा है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, सर पर मत मारना, बचपन में इसके सर पर चोट लगी थी, बहुत मुश्किल से इसे बचाया था, फिर से अगर इसे चोट लगी तो ये मर जाएगा। देखा माँ की ममता, जब मैं तुझे मार रहा था माँ माँ करके चिल्ला रहा था, क्यों एक बार भी तुमने अपनी बीवी, अपने सास, अपने ससुर को क्यों नहीं याद किया तुमने? हाँ, इसी को माँ की ममता कहते हैं। माँ के दिल में बेटे के लिए जो दर्द होता है बीवी में नहीं होता है, बीवी जिस्म होती है तो माँ जान होती है, और ऐसी माँ को तुमने रुला दिया। छे भैया, इस पापी को क्षमा कर दो, इस पापी को क्षमा कर दो, बीवी की बातों में आकर मैंने अपनी माँ को रुला दिया, आज के बाद से ऐसा नहीं करूंगा, कभी ऐसा नहीं करूंगा भैया। देखो, इस पूरी दुनिया में नई जिंदगी को जन्म देने की शक्ति सिर्फ एक माँ में ही होती है। अगर माँ ही नहीं होती तो कोई भी नहीं होता। अपने जन्म देने वाली माँ की जो पूजा करता है उसे भगवान नजर आता है। क्या सोच रही हो माँ? जब से शादी करके आए हो तब से देख रही हूँ प्रिया हमेशा उदास रहती है। तुम दोनों के बीच में मुझे लगता नहीं है कि कोई खास संबंध बना है। माँ, उसे अपने पिता से बहुत लगाव है, हमारे साथ घुलने मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा, मैं उसके साथ बहस नहीं करना चाहता। देखो बेटे, वो यूं ही चुप बैठी रही तो और परेशानी होगी, उसे कुछ दिनों के लिए मैके भेज दे तो उसका मन बहल जाएगा। ठीक है माँ, कल ही मैं उसे उधर लेकर जाऊंगा। सुबह से ये लकड़ियां उठा उठा कर कमर टेढ़ी हो गई है, लगता है साहब अभी तक नहीं आए, तब तक दम लगा लेता हूँ। तो आराम से बैठा है, क्या कर रहा है रे? वहाँ पर मशीन स्टार्ट नहीं हुआ है और तुम यहाँ पर दम मारना स्टार्ट कर रहे हो, सुबह सुबह खोटी करके मेरा धंधा चौपट करना चाहते हो क्या? ऐसी बात नहीं है साहब, थोड़ा थक गया था ना इसलिए जरा। ओहो, अब तुम चाहते क्या हो? एडवांस काम करने का है तो करो, नहीं तो निकलो यहाँ से। अरे अरे साहब, ऐसा मत कहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस काम करूंगा। अब आया लाइन पर, याद रखना काम मतलब कुछ करते नहीं है और एडवांस मांगते रहते हैं। एडवांस के बारे में पूछा तो कैसा चिल्ला रहा था। टाटा क्या करें? टाटा ये ले। अरे रे 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 रे, तुम्हारा तो दिल ही नहीं है, तुम भगवान ही नहीं हो, तुम्हारे तो आग भी नहीं आती। अबे ओ बिरला,
उस दिन का गया हुआ तू आज अचानक बंठन करा रहा है और ये किस पे चिल्ला रहा है तू? टाटा, जिसने तुम्हारी ये हालत की है उस भगवान को चिल्ला रहा हूँ। ए, ये सब कैसे हुआ बिरला? तेरा तो पूरा हुलिया ही बदल गया है यार। लेवल है टाटा, लेवल। वर्क चेंज होने के बाद गेटअप भी चेंज होना चाहिए। बाय द वे, यू कैन नाउ वेयर वर्क आज। बाय द वे, ये तो इंग्लिश भी सीख गया है। देखो टाटा, मैं जिस शिप में काम करता हूँ, जहाज, अंडरस्टैंड? हाँ, जहाज। तुम्हारे लिए काम लाया हूँ, 10,000 रुपए तनख्वाह है, ओनली 10,000 रुपीज। ओके, मेरे लिए काम लाया है? जहाज 10,000 तनख्वाह मिलेंगे? तुमने मेरे बैड टाइम में साथ दिया था, इसलिए 10,000 का नाम लेते ही गायब हो गया। हो जाएगा भाई, हो जाएगा। ए, गोविंदा सेठी, क्या कहा था तुमने? 1,000 रुपए एडवांस मांगा तो तेरी प्यार की जो मुंह में आया कहने लगा, प्यार से पूछा तो मुझे काम छोड़कर जाने को कहता है। 10,000 तनख्वाह है मेरी, मैं शिप पर लग गया हूँ। तेरी जात का 1,000 रुपए एडवांस मांगा तो मना करता है, जा तेरी नौकरी छोड़ दी। 1,000 रुपए तनख्वाह है मेरी, 1,000 रुपए, 10,000 रुपए। गोली मारो टाटा, तुम टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है बिरला, 10,000 रुपए तनख्वाह मिलेगा, पर काम क्या करना है ये तो बताया नहीं तुमने। मेरे पीठ पे खुजली हो रही है, खुजाओ। वेरी सिंपल, तुम जरा भी फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, मेरी औरत को तो बताना होगा कि मैं शिप पर कौन से काम पर लगा हूँ। टाटा, तुम शिप में काम पे लग गए। लग गया, और शिप दुबई को जा रही है। जा रही है। आगे भी तो बताना। समंदर के बीच में, हाँ। रात के 12 बजे शिप खराब होकर बंद हो जाता है, बंद और हो जाता फिर है। स्टाइल से तुम्हें बुलाते हैं। मुझे बुलाते हैं क्या? क्यों मेरे बिरला? वेरी सिंपल, जहाज से नीचे उतरकर रात के 12 बजे जहाज को धक्का मारने के लिए। नीचे उतरकर जहाज को धक्का? अबे बिरला, फिर बैंड बज गया। अरे ये क्या किया तूने? जो काम था उसे भी लात मार दिया। हाय 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 हाय, ये सांप। नमस्ते बाबूजी। डैडी, कैसे हो तुम दोनों? हम ठीक हैं। अरे प्रिया, कैसे हो बेटी? प्रिया, क्या हुआ? डैडी, मुझे चक्कर आ रहे, कुछ ठीक नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है, चलो अंदर चलकर पानी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। ए, सामान अंदर ले जाओ। रामू, एक गिलास पानी लेकर आ। अरे दामाजी, इतनी जल्दी मुझे नाना बनाओगे सोचा नहीं था, क्या बात है, शाबाश दामाजी, शाबाश। दामाजी, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, होने वाले बच्चे को आपका ही नाम दे ऐसा मैं सोच रहा हूँ। अच्छी बात है। है ना प्रिया? पिताजी, आप मेरी चीजें बाहर क्यों फेंक रहे हैं? अपनी हरामी जबान से मुझे पिताजी बुलाता है तू? जिसका कोई वजूद नहीं है, ऐसा गली का कुत्ता है तू।
तुम्हें मैं अभी भी इस घर में रखूं क्या? मेरी बेटी तुम्हें चाहने लगी इसलिए अगर गलती से तुम दोनों की शादी करवा देता तुम्हारी पैदा की हुई औलाद को मुझे अपने वंश का चिराग मानना पड़ता। ओहो तुम अनाथ हो ये जानते हुए भी मैं बाप हूँ ऐसा झूठ बोलकर बहन भाई का नाटक करवाया। मैं जैसा लड़का चाहता था तुमने वैसे ही लड़के से प्रिया की शादी करवाई। झटका लगा। तुम्हारी उंगलियों पर ही मैंने तुम्हें नचाया, तुम्हारे आशाओं को बिखेर दिया मैंने। और जब अब मेरी बेटी के पेट में मेरे वंश का चिराग पनप रहा है, खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। इसी दिन का मैं इंतजार कर रहा था। शादी होने के दूसरे ही दिन तुम्हें मारने के लिए रंगा को बुलाया। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम बच गए। जानते हो पूर्वजों के जमाने से इस वंश की इज्जत को बचाते हुए गिरे हुए खून का कतरा हूं मैं। ऐसे आदमी को तुम्हारी वजह से मेरी अपनी बेटी के हाथों से मुझे थप्पड़ खाना पड़ा। उसी दिन से तू मेरा दुश्मन बन गया और ऐसे आदमी से मेरी बेटी की शादी करवा के मैं क्या जिंदगी भर घुट घुट कर मरता? मुझे क्या पागल कुत्ता कहता है? इस गांव से इसका नामो निशान मिटा दो, इस गांव से बाहर फेंक दो। पिताजी मेरी बात सुनिए पिताजी।
प्रिया 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 सबसे ज्यादा धन दौलत प्यारी है ना, ये लो प्रिया, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? मत लगाओ मुझे, आज तुम्हारा असली चेहरा सामने आया है। तुम बहुत ही कमीने इंसान हो, तुम बाप हो क्या? तुम बाप हो ही नहीं सकते। प्रिया के दिल में कोई और बसा है ये मुझे पहले ही लग रहा था, लेकिन इसके पीछे इतनी बड़ी कहानी छिपी हुई है ये मुझे नहीं पता था। देखिए, होने वाले बच्चे को आपका नाम देके जो मैंने कहा था वो झूठ, आज तक मैंने प्रिया को छुआ तक नहीं। जात धर्म से ज्यादा इंसानियत बड़ी होती है। जात धर्म के नाम पर अपनी बेटी की बलि देने वाला हैवान है तू, तुम्हारे तो टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए, थू है तुझ पर। इंसान है तू, तू प्रिया। अब आपको खुशी हुई पिताजी कि इस पाप की मुझे सजा मिली है? सिर्फ एक लड़की के लिए इतना बड़ा खेल खेला आपने? सिर्फ एक बार आप मुझसे कहते तो अपना सर काटकर आपके कदमों में डाल देता। अगर आप मुझसे प्रिया को छोड़ने को कहते तो मैं उसे भी छोड़ देता। सरकार ने अपनी बेटी के लिए खेल खेला, ठीक है, आपने किसके लिए खेला? बिना कुछ सोचे समझे अपनी बेटी की खुशी के लिए तुम्हें धोखा दे दिया बेटे, तुम्हें धोखा दे दिया। एक मरी हुई बेटी के लिए अच्छा झूठ बोल लेते हैं पिताजी। नहीं बेटे, वो मरी नहीं है, जिंदा है वो, मैं सच कह रहा हूँ। मगर तुम्हें सच्चाई पता चलेगी ना तो तुम्हें आश्चर्य होगा बेटा। हाँ, उस दिन मैं शहर गया था ना, उस दिन क्या हुआ पता है? क्या क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। ये कोई पहली बार है डरने के लिए? ऐसी बात नहीं है जी, मेरे पेट में आपका बच्चा पल रहा है। मैं बड़ा हुआ पेट लेकर मैं घर में नहीं रह सकती, इस गांव में भी सर उठा कर नहीं चल सकती। अगर ये बात किसी से कहूंगी तो आपकी इज्जत खराब हो जाएगी, पिताजी की इज्जत भी मुझे प्यारी है। मालिक, आप जो बात कह रहे थे उसे ये सुन रही थी। पहले उतार कर दे फिर बताता हूँ। पद्मिनी एक मिनट, पेड़ के पीछे जाकर अपने कपड़े उतार दे। क्यों? पहले उतार दे बताता हूँ, उतार। क्या हुआ? ये लीजिए। रंगा, हम्म,
के कपड़े उतार। ये ले, इसे पहना दे। इसको कुछ ऐसा कर जिससे कि इसकी लाश को कोई पहचाने नहीं। मरने वाली पुजारी की बेटी लगनी चाहिए ना। ये ले पहले। अगर भगवान भी आए ना तो भी उसकी लाश को पहचान नहीं पाएगा। यही सब कुछ हुआ पिताजी। गांव वालों को लगा कि मैं मर गई हूँ, लेकिन सरकार मुझे और मेरे बेटे को इस घर में पाल रहे हैं। पिताजी मैं जिंदा हूँ ये जान गए हो ना, तो क्यों रो रहे हो? जो बेटी मर गई है समझा था, वो जिंदा है ये जानकर मेरी आंखें खुशी से भर आई। बेटी बच्चे का नाम क्या रखा है? बेटी आप ही का नाम रखा है पिताजी। अच्छा पिताजी मैं यहाँ हूँ ये खबर आपको किसने दी? मैंने ही इन्हें यहाँ भेजा है। बैठिए पुजारी जी। मरी हुई बेटी को जिंदा देखकर तुम्हें बहुत खुशी हुई होगी है ना? तुम्हारी बेटी जो दुनिया के लिए मर चुकी है, अगर हकीकत में तुम्हारे सामने उसे मार दो। आप ऐसी गलत बात क्यों कर रहे हैं? तुम जिस अनजान आदमी को अपने घर में पनाह दे रहे हो ना, ऐसे हरामी से मेरी बेटी प्यार करती है। लाओ आहा। एक पढ़ी लिखी लड़की पिता को भुलाकर गांव वालों के सामने इस गाल पे मारा थप्पड़, मेरी क्या इज्जत बची होगी? ए पुजारी, मेरी बेटी मुझे छोड़कर नहीं जानी चाहिए। जिसे मैं चाहूं उसी से उसकी शादी होनी चाहिए, और इसके लिए तुम्हें एक झूठ बोलना होगा। क्या मुझे झूठ बोलना होगा? हाँ, तुम्हें मेरी बेटी के लिए झूठ बोलना होगा। जो कोई भी मेरी इज्जत से खिलवाड़ करेगा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तेरी बेटी के साथ तू भी मरेगा। ये शेर हार मानने वालों में से नहीं है। अच्छी तरह से सोचो, मेरे लिए मेरा वंश बड़ा है, तेरी बेटी नहीं। मेरे लिए मेरे गांव वालों का विश्वास बड़ा है, पैदा किया हुआ तेरी बेटी का बच्चा है। मेरा बच्चा। पिताजी। ठीक है, जो आप कहेंगे वही करूंगा करूंगा। तुम अनाथ हो ये जानते हुए भी उसने ये खेल खेला, यही सच्चाई है बेटे। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मैंने खुद को बुलाकर उस कमीने के डर से श्लोक कहने वाले इस मुंह से झूठ बोलकर तुम्हारा भविष्य खराब किया। तुम्हें धोखा दिया मैंने, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो बेटे, मुझे क्षमा कर दो। ये आपने क्या किया पिताजी? मुझे अनाथ बना दिया पिताजी, मुझे अनाथ बना दिया पिताजी। अगले जन्म में
तुम्हारा बेटा बनकर मैं तुम्हारे कर्ज को पिताजी। माधव, मेरी दौड़ सरकार के घर से शमशान घाट तक है। तुम जाओगे शमशान में और वो सरकार के घर में। अब तक कुछ नहीं बिगड़ा है, यहाँ से कहीं दूर चला जा और जिंदगी जी। आग से खेलोगे तो जल जाओगे, पानी से खेलोगे तो डूब जाओगे, और मुझसे टकराओगे तो मर जाओगे, जानता है ना तू? फिर भी आ गया तू।
सच्चे इंसान और उसके प्यार के बीच जो दीवार बन के खड़ा है, ऐसे दरिंदे को काट डालना चाहिए। काट डालो बस। जात के लिए अपनी बेटी की बलि लेने वाला कमीना है तू। अपनी झूठी शान के लिए प्रेमियों के प्यार का खून करने वाला इस जालिम का नामो निशान मिटा दो। मार डालो इसे, मार डालो इस पापी को। ये लो। नहीं 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 माधव, मुझे मत मारो। नहीं नहीं माधव, मुझे मत मारो। माधव मुझे मत मारो। माधव, धनुष धरने वाले को राम कहा, गदा धरने वाले को भीम कहा, मुझ जैसे बेसहारा को अनाथ। देखा ना, मौत को सामने देखते ही तुम्हें माँ की याद आ गई। मेरी तो माँ भी नहीं है, तो भी मुझे कितना सताया। मौत जब आती है ना, तो दौलत जात कुछ भी पास नहीं रहता। हाँ हाँ, जो जिंदगी का मारा होता है ना, उसे सिर्फ दो ही बातें समझ में आती है, सिर्फ दो ही बातें। एक मरना और दूसरा मारना। मेरी जान मांगते ना तो भी दे देता। बेकार मुझे जान लेने पर मजबूर किया। बांधा हुआ ये मंगलसूत्र हम दोनों के रिश्ते के बीच आ रहा है। इस बनावटी रिश्ते को तोड़ दो। ये गलत बात है। नहीं माधव, नहीं। जिस गलत को इसने सही समझा था, उसे सही कर रही है। दिल में कोई और, जुबान पर कोई और, ऐसा गुण हमारे देश की औरतों में नहीं है। किसी रिश्ते के लिए मंगलसूत्र से ज्यादा प्यार जरूरी है। प्यार करने वाले के साथ जीना जरूरी है। माधव, प्रिया गंगा जल की तरह पवित्र है। जाने अनजाने ही अग्नि को साक्षी मानकर मंगलसूत्र बनवाने के बाद मरते दम तक उसी इंसान के साथ जीना हमारी संस्कृति, हमारे देश के औरतों का गुण है। जर जमीन औरत, ये सब नसीब वालों को ही मिलता है। इस अनाथ का इस गांव से रिश्ता खत्म हुआ। माधव, माधव, ए माधव, माधव, ए माधव, 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 ए माधव, ए माधव। Ha 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 ha